नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। प्रदेश को इस साल 52 सीटों का कम कोटा मिला है, जिससे हज यात्रियों में निराशा है। कोटा बढ़वाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष इनायत हुसैन कुरैशी जल्द ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह से मिलेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी कम से कम 5,000 का कोटा देने की मांग कर रही है। इस वर्ष सेंट्रल हज कमेटी ने मध्य प्रदेश को 2,720 सीटों का कोटा दिया है। ये गत वर्ष के मुकाबले 52 सीटें कम है। इस साल 22,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। सियस्त के दौरान रेल मंडल के रतलाम, नागदा और उज्जैन सेक्शन में डेमू ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके लिए डेमू विशेष चालकों को बुलवाया जाएगा। पहले रेल प्रशासन स्थानीय चालकों का जिम्मा देने वाला था, लेकिन बेहतर परिचालन और यात्री सुरक्षा को देखते हुए अहमदाबाद सहित अन्य मंडलों से डेमू के ड्राइवर ही बुलवाने की योजना बनाई है। पूरे मास में डेमू श्रेणी की ट्रेनें ही चलवाई जाएंगी। होली पर इस बार सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। धुलेनी की तिथि को लेकर लगातार असमंजस के चलते कलेक्टर पी नरहरी ने 24 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। यह स्थानीय अवकाश कोषालय, उपकोषालय और बैंकों पर लागू नहीं होगा। सरकार की ओर से 23 मार्च को पहले से ही होली की छुट्टी घोषित है। इसके एवज में इस साल कर्मचारियों को दिवाली के दूसरे दिन 31 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश नहीं मिलेगा। उधर स्कूल कॉलेजों ने भी 24 मार्च को होने वाली परीक्षाएं आगे बढ़ा दी हैं। व्यापम घोटाले से जुड़े जिन प्रकरणों में छानबीन पूरी हो चुकी है, उनमें CBI अफसर फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर RP अग्रवाल ने सोमवार को भोपाल आकर सभी मामलों की समीक्षा की। जांच अफसरों से 1-to-1 चर्चा कर उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पूछी। दोपहर बाद वह PHQ में DGP सुरेंद्र सिंह सहित कई आला अफसरों से भी मिले। राजधानी के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित CBI दफ्तर में समीक्षा बैठक का सिलसिला रात 8 बजे तक चलता रहा। मध्य प्रदेश ATF ने उज्जैन में एक हॉस्टल से बरामद विस्फोटक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ATS की कस्टडी में 3 सीमी आतंकी हैं, जिनसे पूछताछ में पता चला है कि वे 27 मार्च को पेशवाई के दौरान धमाका करने वाले थे। वे 6 महीने से नानखेड़ा के पास हॉस्टल में रुके थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की बाकी खबर आप हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। ये मौका सिर्फ श्रद्धाओं का केंद्र ही नहीं होता, आयोजन और प्रबंधन की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस बार के सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 3,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन को नया रूप मिल रहा है। 100 नई सड़कें 362 करोड़ की लागत से बन रही हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज और 7 रिवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपए होगी। करीब 15 किलोमीटर का उज्जैन बाईपास 94 करोड़ रुपयों से बन रहा है। हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्षिप्रा नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। बाएं तट पर भूखी माता से दत्त अखाड़े तक विशाल घाट बन रहे हैं, तो दाएं तट पर लाल पुल से नरसिंह घाट तक नए निर्माण जारी हैं। दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर की लंबाई के घाट श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 6 मिलियन गैलन क्षमता का जल शोधन प्लांट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 450 बिस्तरों का महिला और शिशु अस्पताल बन रहा है। इसकी लागत 74 करोड़ रुपए से अधिक है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महाकाल के नंदी हॉल का विस्तार किया गया है। समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है कि जो 2016 का हमारा सिंहस्थ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला सिंहस्थ हो, ये इच्छा है। और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा कर पाएंगे। सिंहस्थ में आस्थाओं के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। सुख का दाता, सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।